लव है। रुकिए रुकिए। निवेदन है माननीय दुष्यंत गौतम जी, मेरा विनम्र निवेदन माननीय दुष्यंत गौतम जी से है कि आपको संबोधित करें। आदरणीय सभी पत्रकार बंधु, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ पूरा देश और विदेश में बढ़ रहा है, देश की समस्त जनता अपने आप को आज गौरवान्वित महसूस करती है। आज जिस प्रकार से देश पांचवी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, साथ साथ जो प्रधानमंत्री जी ने संसद की चौखट पर जाकर जो कहा था कि मेरी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों के लिए, किसानों के लिए समर्पित रहेगी, आज 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकालकर उनको एक संपन्न जीवन जीने के लिए सबका साथ सबका विकास के साथ, न उसमें जाति देखी, न धर्म देखा, न भाषा देखी, एक कोने से शुरू किया है, दूसरे कोने पे अगर खत्म किया है तो उसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों की सहभागिता रही है। और आज जिस प्रकार से उनका लगातार ग्राफ बढ़ रहा है, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का भी ग्राफ बढ़ रहा है। आज देश में अनेकों अनेक राजनीतिक दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने की होड़ लगी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर भी चल रहा है, प्रदेश स्तर पर भी हम कर रहे हैं और जिला स्तर पर भी, सभी स्तरों पर सभी स्तर के कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। आज उसी दिशा के अंदर वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के श्री अर्जुन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और उनके साथ में देवेंद्र जी अधिकारी जी जो दो बार के काउंसलर रहे हैं, तीन बार के एमएलए रहे हैं और सांसद हैं, वर्तमान दूसरी बार टीएमसी के सांसद हैं। और वहां पर जो इस प्रकार से वेस्ट बंगाल में लगातार अत्याचार बढ़ रहा है, बहनों के साथ में अत्याचार बढ़ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, वहां की जनता और वहां के नेतागण अमन, चैन और शांति चाहते हैं, लेकिन वो लगता नहीं कि ममता दीदी के हाथ में सुरक्षित रहेंगे, इसलिए वहां के समस्त लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। और मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं अर्जुन सिंह जी का और देवेंद्र जी का, और मेरे साथ में बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेतागण आदरणीय अमित मालवीय जी का, कृष्ण कुमार शर्मा जी का, संजय मयूख जी का बहुत अभिनंदन है, स्वागत है।